Hello friends, welcome to Online GS and we are going to start Indian Reverse Systems presented to you by me Abhinav Raj. Indian Reverse System के सीरीज में हम देख रहे थे चंबल नदी को और आज हम देखने जा रहे हैं चंबल नदी की सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल रिवर. जो लोग ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग पहले चंबल नदी का पूरा लेक्चर सुन लीजिए ताकि आप उसके ट्रिब्यूटरीज को अच्छी तरह समझ सकें. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ये जो क्षेत्र है ये मालवा का क्षेत्र है और ये संतरा रंग का जो पट्टी दिख रहा है ये विंध्य रेंज है. तो विंध्य रेंज के और मालवा प्लेट्यू के वेसिनिटी में मतलब इस यही बाउंड्री है उसका जिसमें चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं और इस तरह से अरावली माउंटेन रेंज है. अरावली इन नॉर्थ वेस्ट और तीन साइड से विंध्य रेंज है, मतलब ईस्ट से, साउथ से और थोड़ा सा वेस्टर्न से भी. ठीक है, अब आगे देखते हैं. ये देखिए, ये इंदौर है और इंदौर के पास एक छोटा शहर है मोह, जहाँ के माउंट जनपवा पहाड़ी से ये चंबल नदी निकलती है और फिर ये मध्य प्रदेश में बहते हुए राजस्थान में इंटर कर जाती है और फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बाउंड्री बनाते बनाते थोड़ा सा मध्य प्रदेश में घुसती है, वापिस से ये उत्तर प्रदेश में बरे में यमुना नदी को मिल जाती है. ये यमुना नदी है और फाइनली ये दोनों नदी गंगा में मिल जा रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं. दोनों नदी कहने का मतलब यमुना मिल रही है और यमुना में पहले से ही चंबल नदी मिल चुकी है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. ये रहा, इस जगह से चंबल नदी का ओरिजिनेशन होता है और इस तरह से बहती है. उसमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर और फिर कोटा बराज, ये चार इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के पर्पज से भी और कृषि कार्यों के लिए भी. ठीक है, तो अब हम आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी, क्योंकि इससे पहले हम सब कुछ बात कर चुके हैं, ये सारी बातें हो चुकी हैं. ठीक है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हुई, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आई बनास और मेज, जबकि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हुई सिपरा नदी, कालीसिन और पार्वती. लेफ्ट बैंक राइट बैंक में कोई कन्फ्यूजन अब तक नहीं रहना चाहिए था. जो लोग रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे हैं फिर भी हम एक बार बता रहे हैं, जैसे कि अगर कोई ये नदी का डायरेक्शन है फ्लो का इस तरह से इस डायरेक्शन में बह रही है, तो अगर हम ये माने कि हम इसी नदी में सिर अपना नदी के फ्लो के डायरेक्शन में करके तैरते हैं तो जिधर हमारा दाहिना हाथ पड़ेगा वो राइट बैंक कहलाएगा नदी का और जिधर बायां हाथ पड़ेगा वो लेफ्ट बैंक कहलाएगा. तो लेफ्ट बैंक से जो भी नदी आकर हेड वाटर में मिलेगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, जो जबकि राइट हैंड साइड से अगर कोई मिलती है नदी तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी. ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई बनास और मेज, जबकि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई सिपरा, काली सिंध और पार्वती. ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं. शुरू करते हैं बनास से. ये रहा लाल रंग से जो मैंने ड्रा करा है वो ये बनास. ठीक है, तो आइए, ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल जाना हुआ है कि इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल और इट मर्ज चंबल नियर सवाई माधोपुर, यानी सवाई माधोपुर के नजदीक ये चंबल में मिल जाती है. इसको वन की आशा भी बोलते हैं, यानी होप ऑफ द फॉरेस्ट. इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि ये एरिड जोन है जहां पर कि बहुत ही शुष्क प्रदेश है, पानी की बहुत कमी है और ये एक वहीं से बहने वाली अच्छी नदी है जिसमें पानी का अच्छा वॉल्यूम रहता है, तो इसलिए इसको बन की आशा बोलते हैं. इसका ओरिजिन कहाँ है, तो खमनौर हिल्स ऑफ अरावली माउंटेन रेंज, कुंभलगढ़ में, राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में. अब इम्पोर्टेंट कौन कौन से इसमें चीज हो गए, जैसे खमनौर हिल्स, अरावली, कुंभलगढ़, राजसमंद एंड राजस्थान. ठीक है, अब चलिए देखते हैं जगह ये सब मैप पर. ये राजस्थान का मैप है और ये हुआ कुंभलगढ़. आप इसका लोकेशन देख सकते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों के रेफरेंस में, जैसे हरियाणा, दिल्ली के रेफरेंस में कुंभलगढ़ पड़ता कहाँ है. ठीक है, अब देखिए ये राजसमंद है और ये कुंभलगढ़, तो यहाँ से ये नदी निकलती है और फिर ये सवाई माधोपुर है और ये जो नदी जा रही है इस तरह से ये चंबल है, तो चंबल में जाकर ये सवाई माधोपुर के पास मिल जाती है. ये जो स्काई ब्लू कलर से दिख रहा है ये यही नदी का पाथ है बहने का, ये उसका ट्रैक है. ठीक है, यहाँ चंबल में आके मिल गई. और भी कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं इस नदी के बारे में, इस पर पड़ने वाले जो प्रमुख शहर हैं नाथद्वार,
राजसमंद जिला में, जहाजपुर भिलवाड़ा जिला में और टोंक शहर, ठीक है। और इस नदी का पूरा कोर्स राजस्थान में ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटायर कोर्स इन राजस्थान। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि बेरज, मनाली, कोठारी, खरी, दाई, धील, सोहाधरा और मोरेल। तो सारे याद नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन हाँ एक रफ सफ आइडिया होना चाहिए कि कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा डाला जाए नदी का नाम तो आप इसको जानते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए नाथद्वार है जो कि राजसमंद जिला में पड़ रहा है, ये जहाजपुर है जो कि भीलवाड़ा में है, और ये टोंक खुद एक हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो और ये सवाई माधोपुर में आकर मिल जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेज हुए बनास नदी के किनारे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये मैप क्या है कि ये चंबल नदी बह रही है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें इधर से आकर ये बनास नदी ये इस तरह से मिल रही है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन सवाई माधोपुर में चंबल में मिलने वाली बनास इकलौती नदी नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर पार्वती नदी और काली सिंध नदी भी आकर मिलती है, लेकिन पार्वती और काली सिंध इसकी राइट बैंक से मिलती है जबकि बनास उसके लेफ्ट बैंक से मिलता है, ठीक। अब आते हैं मेज नदी पर जो कि दूसरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसका ओरिजिन कहाँ से है तो मंडलगढ़ इन भीलवाड़ा, ये नदी चंबल नदी को ज्वाइन करती है कोटा डिस्ट्रिक्ट में, कोटा शहर नहीं कोटा डिस्ट्रिक्ट में। और इसका कैचमेंट एरिया जो है मतलब जिसका ये क्षेत्र हो गया नदी का जहाँ से इसको वाटर मिल रहा है, तो या उस नदी से जहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बूंदी और टोंक, ठीक। तो अब देखते हैं ये पीला जो है पीली नदी ये मेज है। अब देखिए ये भीलवाड़ा है जहाँ से इस नदी का ओरिजिन है, और ये कोटा है जहाँ ये चंबल में आके मिल जाती है कोटा डिस्ट्रिक्ट में। कोटा से लेफ्ट साइड में भीलवाड़ा है, तो आपको अगर कहीं लेफ्ट राइट अरेंज करना हो तो इसके लिए आप एक रफ सफ आइडिया ले लीजिएगा कि भीलवाड़ा पश्चिम में पड़ता है, कोटा पूरब में पड़ता है। अब इसका जो कैचमेंट एरिया हुआ यानी भीलवाड़ा का क्षेत्र, बूंदी का क्षेत्र और टोंक का क्षेत्र, इस जगह पर ये कहेंगे कि ये इस नदी का कैचमेंट एरिया है, ठीक है। तो आगे आता है शिप्रा नदी जिसको कि छिप्रा भी बोलते हैं। शिप्रा का मतलब होता है प्यूरिटी, क्लैरिटी, मतलब स्वच्छता के ध्येय से है, और ऐसा बोल सकते हैं कि ये धार्मिक और हिंदू रीति रिवाज से बहुत ही जुड़ी हुई नदी है। इसके चर्चे वैदिक लिटरेचर्स में भी हैं। इसका ओरिजिन है धार डिस्ट्रिक्ट में, धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। धार डिस्ट्रिक्ट आया तो एक धार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात जो कि आर्ट एंड कल्चर के से भी इम्पोर्टेंट है, हमारे पेपर आर्ट एंड कल्चर वाला जो पेपर है, मांडू, मांडू शहर धार डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध है जहाज महल के लिए और साथ ही साथ हिंडोला महल के लिए। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि ये दोनों जो महल है ये भारतीय इतिहास के किस काल से ताल्लुक रखती हैं, ठीक है। और शिप्रा नदी मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में आके मिल जाती है चंबल नदी से, और इस पर बसा सबसे प्रमुख शहर है उज्जैन, जहाँ की उज्जैन में हर 12 साल पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है जिसे कि सिंहस्थ मेला भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार मैप में देखते हैं, देखिए ये धार हुआ, ये उज्जैन हुआ और ये मंदसौर जिला हुआ। तो धार से नदी निकलती है उज्जैन से होते हुए और ये आकर चंबल में मिल जाती है मंदसौर में, ठीक है। ये मंदसौर का क्षेत्र है और ये जो वाटर बॉडी दिख रही है ये ही गांधी सागर है। गांधी सागर हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि ये मंदसौर में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग ये देख पा रहे हैं अच्छे से कि शिप्रा नदी गांधी सागर के पहले चंबल में मिल जा रही है, और बाकी की ट्रिब्यूटरी जो भी हैं ये गांधी सागर और राणा प्रताप सागर के बाद ही मिलती हैं, ठीक है। ये हिंडोला महल है, ये जहाज महल हुआ, और ये उज्जैन के कुंभ मेला का एक फोटो हुआ, कुंभ मेला और ये शिप्रा नदी, ठीक है। अब आते हैं काली सिंध नदी पर। काली सिंध
इसका ओरिजिन कहाँ पर है? तो बाघी देवास डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देवास किस लिए प्रमुख है? तो बैंक नोट प्रेस यानी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी प्रेस, जहाँ पर कि करेंसी नोट्स की छपाई की जाती है, और इसको भारत का सोया कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सोयाबीन का बहुत बड़ा मार्केट है। मध्य प्रदेश का क्षेत्र और वहाँ का सोया कैपिटल, इंडिया का सोया कैपिटल मोर एग्जैक्टली। इसकी ये रिवर जो है ये मालवा क्षेत्र की बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। चंबल नदी को काली सिंध नदी सवाई माधोपुर में जाकर मिलती है, ऐसा कि हम पहले के स्लाइड्स में देख भी चुके हैं। और इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यानी सहायक नदियां हैं परवान, नेवाज और अहू। ठीक है, तो चलिए मैप में देखते हैं इन चीजों को। ये काली सिंध नदी है, ये आकर सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जा रही है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। और इस पर इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हुई अहू, नेवाज और परवान, जो कि पहले काली सिंध में मिलती हैं और फिर बाद में काली सिंध जाकर चंबल में मिल जा रही है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये देवास हुआ और ये सवाई माधोपुर, जहाँ पर कि ये काली सिंध नदी आके मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से ये नदी जाकर चंबल में मिल जाती है। सवाई माधोपुर में तीन नदियाँ मिल रही हैं, लेफ्ट से बनास और राइट से काली सिंध और पार्वती। तो हम लोग अब चलते हैं पार्वती नदी को देखते हैं, जो कि हमारे वीडियो लेक्चर का ये आखिरी रिवर है। इसका ओरिजिन है नॉर्दर्न स्लोप ऑफ विंध्य रेंज। ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्दर्न स्लोप है, जबकि जो चंबल नदी है जो कि मेन रिवर सिस्टम जो भी हम पढ़ रहे हैं वो भी विंध्य रेंज से ही निकलती है, लेकिन विंध्य रेंज के साउदर्न स्लोप से और ये नॉर्दर्न स्लोप से। तो इस बात को थोड़े ध्यान से आप मेमोराइज कर लीजिएगा। और जो गुना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसकी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है अजमर, ठीक है, अमझर। ये पार्वती नदी इस तरह से जाकर सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। मध्य प्रदेश से नदी निकली और राजस्थान में जाके मिल गई मेन नदी चंबल में। ये देखिए पार्वती, यहाँ ये गुना डिस्ट्रिक्ट जो कि इस पार्वती नदी के किनारे में है, और ये मेन चंबल नदी है जिसमें कि पार्वती जाके मिल रही है इस लेफ्ट साइड से बनास, और काली सिंध भी आकर मिल जाती है। तो नॉर्थ से साउथ अरेंज करने पर सबसे पहले कहेंगे कि बनास, तब पार्वती, तब काली सिंध। इस तरह से भी आप देखते रहेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऑर्डर अरेंज करने को आता है, तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, यह हम देख पा रहे हैं कि जब तीनों नदियां मिल जा रही हैं तो यहाँ चंबल नदी के वॉल्यूम में कंसिडरेबल इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, अब ये एक ओवरव्यू के लिए आप मैप देख सकते हैं, आपको एक रफ सफ अब आइडिया नहीं लगना है, अब आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि हाँ ये चंबल नदी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी मेज है, बनास है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सिप्रा हुई, काली सिंध हुई और पार्वती हुई। ये नदी कहाँ कहाँ मिल रही हैं, इनके ओरिजिन्स कहाँ हैं, इस पर बसे अच्छे शहर कौन हैं, कैचमेंट एरिया क्या है। अब इन चीज़ों में आशा करता हूँ कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you for watching this video. Have a nice day. Thank you.